गरुड़ थाना अंतर्गत गांव सपानिया गांव स्थित एक गोदाम में 1200 कट्टों में भरी लगभग 25 किलोग्राम नकली खाद पकड़ी गई। गोदाम मालिक रंजीत सिंह व मदन सिंह दोनों पिता करण सिंह निवासी सपानिया थाना गरुड़ फरार हो गए। जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुझानिया के मार्गदर्शन एवं SDOP गरुड़ श्रीमती सोनू परमार के नेतृत्व में थाना भानपुरा और गरुड़ पुलिस ने सपानिया गाँव में दबिश शुक्रवार 3 से 4 बजे देकर लगभग 25 किलोग्राम के 1200 नकली खाद पकड़ी। इसके साथ विभिन्न ब्रांड के बरदान और टाटा नमक की रिपेयरिंग भी जब्त की। गोदाम मालिक रणजीत सिंह व मदन सिंह दोनों पिता करण सिंह फरार, पुलिस की दबिश जारी। इस महत्वपूर्ण सफलता में निरीक्षक अविनाश श्रीवास्तव, थाना प्रभारी भानपुरा, उप निरीक्षक बलवीर यादव, उप निरीक्षक कपिल सौराष्ट्रीय, उप निरीक्षक ममता अलावा, सचिव उप निरीक्षक मांगीलाल चौहान, सचिव उप निरीक्षक गोपाल कृष्ण चतुर्वेदी, सचिव उप निरीक्षक गोविंद सिंह यादव, प्र आर रघुवर सिंह, प्र आर सतीश ठाकुर, आर राजपाल, आर हेमंत पाटिल, आर धर्मेश विरागी कार्रवाई में सम्मिलित रहे। जैसे कि आपको बता दें, अभी बुआई का समय चल रहा है और खाद की खपत काफी ज्यादा डिमांड में चल रही है, तो इस संदर्भ में मुखबिर सूत्रों को तंत्र को एक्टिवेट किया हुआ था। तो आज सुबह सुबह सूचना मिली थी कि गरोड़ भानपुरा क्षेत्र में कहीं ना कहीं पे अवैध जो नकली खाद जो होती है उसका पैकेजिंग और उसको सोर्सिंग की जा रही है। उसी संदर्भ में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई और जब इन्फॉर्मेशन पुख्ता पाई गई तो उसमें SDP गरोट के लीडरशिप में थाना गरोट और थाना भानपुरा की टीम ज्वाइंट टीम भेजी गई, क्योंकि उसमें सपानिया गांव जो कि थाना गरोट में पड़ता है वहां पे एक गोडाउन पे डेट की गई। उसमें करीब 1200 कट्टे, करीब 25 किलो प्रत्येक कट्टे का वजन था, यानी कि 30 टन नकली खाद बरामद की गई है। इसमें विभिन्न ब्रांड के खाद के कट्टे मिले हुए थे वहां पे। साथ ही साथ उस जगह पर सर्चिंग की गई। सर्चिंग में जो मछली की तस्करी में उपयोग में लाए जाने वाले जो बॉक्सेस होते हैं, आइस बॉक्सेस, वो भी प्राप्त हुए। और इसके बाद जब दबिश दी गई तो वहां पे से आरोपी भागने में सफल हो गए। इसमें थोड़ा और तफ्तीश की जा रही है। वहां पे कुछ नमक पैकेजिंग के भी, टाटा नमक पैकेजिंग के भी रैपर्स बरामद हुए हैं। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि वहां पे इसका भी शायद नकली नमक का भी पैकेजिंग होता है। अभी जो फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है और अग्रिम अभी कोई कंफर्म सोर्सेज नहीं है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन है, बट एक बार आरोपी जब गिरफ्त में आएगा तभी अग्रिम आगे की जो इन्फॉर्मेशन है पुख्ता हो पाएगी। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।